और राहुल जी का सवाल है जेम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, जेम फाइनेंशियल के बारे में कि क्या इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखा जाए। देखिए, एक बहुत लंबे अरसे तक जेएम फाइनेंशियल में मैं अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आज एचडीएफसी बैंक लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको 100 रुपया लगाना है तो आप 25-30 रुपया 40 रुपया एचडीएफसी बैंक में लगाइए। ऐसा नहीं है एचडीएफसी बैंक खत्म हो जाएगा। ये नो डाउट जो जो मर्जर हुआ था उसके चलते हुए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में जो जो दिक्कत आई थी तो उसके चलते हुए प्रेशर है बैलेंस शीट पे, मैं मानता हूं। मगर आज जिस लेवल पे आपको 1430 1425 पे एचडीएफसी बैंक मिलता है, इसका प्राइस टू बुक देखिए, मुझे लगता है कि आज भी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है। तो एचडीएफसी बैंक लीजिए और लार्ज कैप में रहिए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है रादर देन गोइंग इनटू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। जी, तो फिलहाल जो जेएम फाइनेंशियल की बात है तो ये अभी आप कह रहे हैं कि अवॉइड किया जाए इसमें। जी सर, जी, तो फिलहाल जेएम फाइनेंशियल के बदले अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर ही देखना है तो उसमें आपको ऐसे नाम देखने हैं जो जिनके अंदर वैल्यू है, जो बड़े नाम हैं, और जहां पर आपको लगता है कि गिरावट के अंदर अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें कम चोट पड़ने वाली है, ये कुछ पैमाने हो सकते हैं।